शहीद अमर रहे अमर रहे पुलवामा के शहीद अमर रहे अमर रहे पुलवामा के शहीद अमर रहे अमर रहे पुलवामा के शहीद अमर रहे अमर रहे माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय आतंकवादियों ने कायराना हमला करके कश्मीर के पुलवामा इलाके में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद किया। उसी उपलक्ष में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा किश्तवाड़ ने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा और हम आपके माध्यम से पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि अगर आइंदा इस प्रकार की कायराना हरकत यहां हुई तो वो उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और ये हिंदुस्तान की आर्मी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता युवा मोर्चा जिला किश्तवाड़ की इकाई द्वारा यहाँ पुलिस चौक में, जिसे हम कोकिला चौक से नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पर 14 फरवरी 2019 को आप सबको ज्ञात है कि कश्मीर के अंदर किस प्रकार से हमारे सैनिकों को निशाना बनाया गया था आतंकवादियों द्वारा, उसी संदर्भ में आज पूरे देश में शोक की लहर होती है, एक दुख होता है। तो उसी कड़ी में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किश्तवाड़ के अंदर भी इन वीर सपूतों को, इन रणभांकुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और आने वाले समय में मैं एक संदेश भी आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी ऐसे अनासर हैं, चाहे वो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित यहाँ आतंकवादी हैं या उनके सपोर्टर हैं, मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि भारत का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान महिला यहाँ के रणभाकुरे हैं। जब भी इस भारत माता को बलिदानों की आवश्यकता होती है, तब तब हमारे सैनिकों के अलावा ही यहाँ का जनमानस भी बलिदान देने के लिए तैयार है और आने वाले समय में भी तैयार होगा। और आतंकवाद को परास्त करने के लिए हमारी सेना भी लगातार भरसक प्रयास कर रही है। आने वाले समय में और ज़्यादा इस पर कार्रवाई होगी। फरवरी को तो उसका जवाब उनको मुँह तोड़ मिला सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, और आज तो पाकिस्तान की वो हालत रही नहीं। वो खुद आज 300 रुपये आटा किलो वहाँ पर बिक रहा है। उस देश के बारे में हम क्या ही बोलें। वो ऐसी हरकतें कर करके वो तो पूरा ख़त्म ही हो चुका है पहले ऐसे भी। वो तो वहाँ पर आपस में आटल मार रहे हैं, आटे एक एक आटे गुथे किए वो पकड़ रहे हैं। 3 दिन बंदे उसको खींचा तानी लगी है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमको इस मसले को अब इतना ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि वो उस चीज़ की सज़ा काट चुके हैं। बदले में 40 के बदले 300 मारे गए। तो यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।